आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई थी। मूल उद्देश्य था बजट, हमारा सत्र भी मार्च में ख़त्म हुआ। बजट में जो प्रावधान हमारे विभाग के लिए किया गया था उस काम को आगे बढ़ाना, थाना चौकी अन्य अन्य चीज़ों को, उसकी एक समीक्षा और इन चार पाँच महीनों में जो काम किए गए उसमें कितनी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की, कहाँ हमारी कमजोरी रही है, कहाँ हमको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो इस प्रकार से सारे विभागों के विषय में हम लोगों ने सब चर्चाएं की। होम डिपार्टमेंट की, जेल विभाग की, गुप्त वार्ता की, नगर सैनिकों की, अग्निशमन के विभाग की, लोक अभियोजन का, सैनिक कल्याण, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है हमारा, सभी विभागों का, स्टेट गैरेज जैसे सभी विभागों की बारीकी से हम लोगों ने समीक्षा की है और उसमें जितने भी काम हुए हैं उनमें और क्या बेहतर किया जा सकता है इस पर हम सब ने मैंने चर्चाएं की हैं और कुछ निर्देश भी समय समय पर, चाहे वो हत्या का, चोरी, डकैती, बलात्कार, अपहरण, नक्सली मूवमेंट, अन्य अन्य जो गतिविधियां हैं, क्राइम हैं, उन सब चीज़ों की समीक्षा की गई और उसमें समीक्षा करके जो जानकारियां अधिकारियों ने दी उसके अनुसार उनमें कुछ निर्देश भी दिए गए। पदोन्नति जैसे किया गया, भर्तियां जो की गई, ट्रांसफ़र अभी सामने देख करके ट्रांसफ़र और क्या कैसे करें, जैसे मैंने कहा कि तीन तीन साल जिन अधिकारी कर्मचारियों को एक जगह हो गया है, चुनाव आयोग खुद ही उस पर ध्यान देता है, इसलिए उसके पहले ही हम लोग ट्रांसफ़र कर लें। पदोन्नति हम लोग आरक्षक से लेकर एडिशनल एसपी तक के किए हैं और भी जो पदोन्नति के लिए बचा है उनको देख लें। डायल 112 हमारा 11 जिले में चल रहा है, शेष जिलों में भी उसको विस्तार देना है क्योंकि अच्छा परिणाम उससे आया है। अगस्त में पहले जो टेंडर है उसका ख़त्म होगा, प्रक्रिया पूरे प्रदेश के सभी जिलों के लिए कर दिया गया है। साइबर क्राइम के लिए जो थाने खोले गए हैं उस पर और कर्मचारी, उसके उपकरण, उसको और बढ़ाना, इस पर भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। महिला अपराध पर भी चर्चा, नक्सली मूवमेंट पर भी चर्चा, इस प्रकार से सारी चर्चाएं हुई। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।